आज जो हम लोग किए पहले चीज ईवीएस देख लेते हैं, ठीक है ना। ईवीएस में हम क्या देखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन। मैंने इसके पहले जो जस्ट अभी डिस्कस किया है, ठीक है ना, उसको एकदम ध्यान में रखिएगा, प्लस उसको हम वीडियो में बना भी दिए हैं, ठीक है। चूँकि इसमें अब जो पढ़ाएंगे वो समझा दिया आपको कि कहाँ से कहाँ तक क्या पार्ट है, समझा है ना, कि जैसे 1 से लेकर के 30 दोनों ही पेपर में CDP है, कोई दिक्कत नहीं। पेपर 1 वाले के लिए, फिर 31 से लेकर के 60 तक मैथ है, वो सबके लिए है, कोई अलग अलग सब्जेक्ट वाइज नहीं है, सबके लिए। और फिर 61 से लेकर 90 सबके लिए क्या है, इन्वायरमेंटल साइंस है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज 1 है, जो कि आपका मेन हिंदी या इंग्लिश में से अगर है तो मेन बुकलेट में मिलेगा। हिंदी इंग्लिश में छोड़ के अगर लैंग्वेज 1 लिया है आपने, जैसे संस्कृत ले सकते हैं, जैसे उर्दू ले सकते हैं, बांग्ला ले सकते हैं, सो मेनी अदर लैंग्वेजेस। इंडिया में 22 भाषाएँ हैं जिसको सीटेट अपने एग्ज़ाम में देता है, एग्ज़ाम देने की जगह आपको देता है, तो पूरे 22 भाषाओं में से किसी को भी लैंग्वेज 1 में चुन सकते हैं। तो अगर हिंदी अंग्रेजी को लिया है तो मेन बुकलेट मिलेगा वो, उसमें हम ये हेडिंग देखेंगे कि भाषा 1 या लैंग्वेज 1, और उसके नीचे अपना सब्जेक्ट जो हम ऑप्ट किए हैं, जो चुने हुए हैं, वो देख करके। और अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो तो इतना ध्यान रखेंगे कि लैंग्वेज 1 शुरू होगा पहले, यानी कि 91 से लेकर 120, और लैंग्वेज 2 शुरू होगा बाद में, मतलब कि 121 से लेकर के 150 तक, 150 तक। अब चूँकि ये सारी चीज़ समझ में आ गया, पेपर 2 की बात किया तो वहाँ क्या है, थोड़ा सा नेचर अलग है इसका। क्या अलग है नेचर उसका, उसका अलग नेचर ये है कि 1 to 30 तो ठीक है CDP है, उसके बाद 60 नंबर का एग्ज़ाम है। तो वहाँ पे क्या है कि आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं, आर्ट्स पेपर वाले प्लस जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, उन दोनों को कहाँ माना गया है, उन दोनों के लिए क्या होगा, 61 से लेकर के 90 जो सब्जेक्ट होगा वो सोशल स्टडीज माना जाएगा, सीटेट का एग्ज़ाम सोशल स्टडीज़ होगा। और बाकी जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या होगा, उनके लिए मैथ एंड साइंस माना जाएगा, जिसमें 60 क्वेश्चन होगा। इसका फिर लैंग्वेज वाला पहले ही की तरह से हो जाएगा, जैसे पहले वाले में क्या लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो लैंग्वेज 1 में क्या होगा 120 तक, और लैंग्वेज 2 क्या होगा 150 तक, मतलब 91 से लेकर के 120 क्या है आपका लैंग्वेज 1, और फिर 121 से लेकर के 150 क्या है आपका लैंग्वेज 2, ये ध्यान रखें। तो अब ये चीज़ समझ में आएगा, चूँकि अभी जस्ट थोड़े पहले बताया थे, है ना, यहाँ तो हमने रिव्यू कर दिया सिर्फ कि क्या किया अभी, हम जो टाइम लगा उसी पर लगा था। अब हम क्या करेंगे, जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे अभी उसमें एक चीज़ चेंज कर देंगे, थोड़ा सा चेंज हम कर लेंगे तो आपको माइंड में चेंज आ जाएगा आसानी से। होता क्या है, एक चीज़ को बार बार देखने से क्या है, वो चीज़ मेमोराइज हो जाती है, याद हो जाती है ना, ज़्यादा इजीली रिलेबली वो चीज़ याद होती है। तो जब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे सब्जेक्ट को, तो साथ में उसके बारे में क्या कर लेंगे, कहाँ से कहाँ समझ लेंगे। अगर हम ईवीएस की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक है ईवीएस, कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से बताइए, कन्फ्यूज, 61 से 90 तक। और ये किसमें है, पेपर 1 की चीज़ है, पेपर 2 में नहीं, याद रखिएगा। हाँ ठीक है, पेपर 2 में इसका कुछ हिस्सा मिल जाएगा, कहाँ, जैसे सोशल स्टडीज़ है, सोशल स्टडीज़ का ही एक पार्ट ईवीएस है, पता है। तो बहुत ऐसी चीज़ होगी जो इसमें भी है और सोशल स्टडीज़ के अंदर भी आ जाएगी, मगर ये डायरेक्ट वो पार्ट नहीं, वो अलग है और ये अलग है, चूँकि इसका एक ब्रांच है सोशल स्टडीज़ का, इन्वायरमेंट, तो उससे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में कुछ सवाल टकरा जाएगा, या इससे कुछ सवाल उसमें टकरा जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अभी जो करने वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे अगर, तो 61 से लेकर 90 तक करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, वो देख लेते हैं। और इसके बाद EVS में देखते हैं, चलिएगा। स्कूल जाना, एक छोटा सा शब्द है, क्या है, स्कूल जाना, टू गो स्कूल, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाना हिंदी में क्या बोलेंगे, विद्यालय जाना या स्कूल जाना, इससे संबंधित टर्म्स कुछ है। और एक और चीज़ आपको साथ साथ बता दें कि अभी कल हियरिंग में होना था, कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया है, कोर्ट चूँकि खुली नहीं है अभी तक,
इसीलिए केस का जो सुनवाई है वो हुआ नहीं है। किसको लेकर के? सातवें फेज की बहाली को लेकर के, सेवन्थ फेज की बहाली को लेकर के। यह है कि पिछली बार जो छठे चरण में बहाली रुक गई थी, वो बहाली रुक गई थी कहाँ पर? जिसमें 40,000 सीट खाली बच गया था। कितना? 40,000 सीट खाली बची थी 6 से 8 के लिए। अभी चैलेंज किया गया तो सरकार ने अपने विज्ञापन में ये कहा है, विज्ञप्ति जारी किया, उससे पहले कहा था कि हमने उन सीट्स को जो 6 से 8 की खाली है सीट, उसको क्या किया है? पदोन्नति किया है, बढ़ गया उससे। मतलब वो टीचर जो 1 से 5 का शिक्षक था, कई वर्षों पढ़ाने के बाद उसको प्रमोट कर दिया गया 6 से 8 के टीचर में। ठीक है, उस हिसाब से उसने कहा कि हमने 40,000 वैकेंट सीट को भर दिया। इसी को लेकर इन लोगों ने कहा अगर ऐसा सही है तो पहले आंकड़ा दीजिए कि कौन कौन टीचर था, किसको किसको आप 1 से 5 से उठा करके 6 से 8 में ले गए, आंकड़ा दीजिए, सब स्पष्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर 1 से 5 से वो टीचर निकल गया, चला गया 6 से 8 में, ठीक है, तो आखिर 1 से 5 का सीट तो खाली हो गया होगा, तभी ना 6 से 8 में गया। वो जो 6 से 8 का सीट खाली था वहाँ 1 से 5 वालों को आप ले गए, तो 1 से 5 का सीट खाली बचा कि नहीं बचेगा? तो फिर अगर ऐसा है तो 1 से 5 में सिर्फ 80,000 टीचर की बहाली क्यों होगी भाई? पिछला 40,000 तो और आना चाहिए, कम से कम 1,25,000 बहाली कीजिए आप 1 से 5 में। मतलब सरकार को घेर लिया गया है। 12 घंटा पहले कल न्यूज़ देखा था शाम में, तो उसमें आ रहा था कल शाम से 12 घंटा पहले, मतलब कि कल का दिन सरकार ने अपने हिसाब से एक इंफॉर्मेशन जारी किया, विज्ञापन नहीं लेकिन ऐसे सरकार की तरफ से पक्ष सामने आया, तो उसने ये माना कि कहीं भूल हो गई है, भूल बोल रहे हैं कि भूल हो गई है, गलती हो गई है, उसको सुधारा जाएगा। विज्ञापन जो दिया गया है उसमें कुछ सीटों का ब्यौरा नहीं जा पाया है, उसको देखा जा रहा है। प्लस सरकार ने अपना पक्ष को साफ करते हुए कहा, सरकार तो बचाव करेगी ही अपना, उसने ये कहा कि इसमें जो लोग शामिल होंगे जिनकी गलती से ऐसा हुआ है उनको हम हटा भी देंगे उनके पद से। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ जो बड़े पद पर होंगे, सरकार अपने आप को बचाएगी, जनता का वोट भी लेना है, तो उसके लिए कसूरवार अपने आप को बना देगी, तो कैसे काम चलेगा? तो कसूरवार किसी और को देखा के हो सकता है 2-4 लोगों को सस्पेंड कर दे, बाद में भले अपॉइंट कर दे, अलग बात है, लेकिन सामने से सस्पेंड कर देगा ताकि आपका जो गुस्सा है आपका, नहीं सरकारी गलती नहीं, सरकार तो दी, सरकार तो नौकरी दे रही, जो गलती किया था उसको निकाल दी, है ना। तो ये पूरा पूरा उम्मीद है कि जब भी हेयरिंग होगी, बहुत जल्दी हेयरिंग होगी, कोर्ट खुलने वाली है, तो पूरा पूरा उम्मीद है कि 6 से 8 के लिए फिर से नया सीट्स घोषित किया जाएगा और अच्छी खासी सीट घोषित की जाएगी। तो जो पेपर 2 वाले हैं यूपीएससी के द्वारा बोल रहे हैं, तो उनको समझना होगा कि अपनी तैयारी को ब्रेक नहीं कर दें, वो कंटिन्यूसली तैयारी जारी रखें। 6 से 8 की वैकेंसी बीपीएससी इसी बार निकालेगी, हाँ, मगर जब कोर्ट इंटरफेयर करेगी उसके बाद निकालेगी। अगर सरकार डरी हुई नहीं है तो ये बात क्यों मान ले कि कुछ गलती हो गई है, भूल हो गई है? अभी तो कोर्ट कुछ बोला भी नहीं है आपको, कोर्ट खुलेगी तो ना बोलेगी, बंदे बोल देगी। तो कोर्ट के खुलने के बाद क्या होगा, कोर्ट क्या डिसीजन लेगी, उसके पहले वो कहेगी हमने तो सर पहले ही मान लिया कि हमसे कुछ गलती हुई है, उसको देखेंगे। ये उसका रास्ता निकाला गया है। इस बार की तैयारी को पूरा सीरियसली इसलिए लीजिए कि फिर अगला बहाली कब, कहाँ, कैसे, कौन लेगा, क्या लेगा, बहुत दूर की चीज़ है, कुछ नहीं कह सकते हैं। जो हो रहा है गनीमत है, जान लीजिए। इसलिए जो ही दिन बचा हुआ है उसको पूरा अपना 100% दीजिए, ना तो एबसेंट हो इसमें और ना ही टाइम वेस्टेज हो, जो वर्क मिले उसको पूरा कीजिए, कोशिश कीजिए। इन दोनों तीनों चीज़ों का लिहाज रखना होगा। छुट्टी भी हम बहुत लंबा नहीं करेंगे कभी भी, बकरीद का भी होगा तो नॉमिनल 1-2 दिन का छुट्टी जो मजबूरी होगी वही करेंगे, जिससे पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि पूरे में जो एरिया है कट कुट हर जगह होता रहता है, नहीं तो उन सभी चीज़ों का लिहाज रखते हुए कुछ छुट्टी तो ज़रूरी होगी, वो करेंगे, लेकिन जैसे ही मुमकिन होगा क्लास कंटिन्यू करना, वो क्लास भी करेंगे। दूसरी अहम बात यह है, इस बार की बहाली में एक बहुत ख़ास बात है आप लोग के लिए और सब लोग के लिए, जो भी एक अच्छे खासे टाइम से 10 साल 15 साल से मामला हंगामा चल रहा है,
क्या चल रहा है, समान वेतन समान काम। 1500 वाला शिक्षक शिक्षा मित्र से उठ करके 30,000-32,000 की सैलरी तक आ गया, पता है ना। वो सब वही कह रहे हैं कि समान वेतन मिलना चाहिए। सरकार कह रही है कि आपको तो 1500 मिला करता था, हम इतना दे रहे हैं, कम कहाँ दे रहे हैं, बहुत दिया, तो हम समान वेतन कैसे दें। क्योंकि जो लोग पहले आए थे जिनको ज़्यादा सैलरी मिल रही है वो लोग थे जो आयोग के द्वारा आए थे, BPSC ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, वो वहाँ से आए थे। तो सरकार ये कह रही है कि आपको वो सैलरी नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ नियोजित शिक्षक हैं। इस बार वाले जो टीचर हैं इनके साथ ये बहाना नहीं चलेगा, ये डायरेक्ट BPSC अपॉइंट करेगी। कल इनका जो दावा होगा कि हमको भी समान वेतन मिले, तो सरकार का ये रोक कभी नहीं आएगा कि आप ऐसे ही आ गए हैं कैसे दे रहे। सरकार कहे अगर बोलेगी तो कहें हम BPSC से आए हैं, आयोग ने बहाल किया है। इसलिए क्या होगा, सरकार का पक्ष कमज़ोर पड़ जाएगा और इधर वालों का पक्ष मजबूत पड़ेगा, तो इनकी जो सैलरी है वो बहुत तेज़ी में और इंक्रीमेंट ही करेगी, डाउन नहीं जाएगी। ठीक है, हो सकता है इसके बाद अभी बहाली का प्रारूप बदल जाए, लेकिन इस बहाली का तो रूप यही है, जिसमें जम के काम करना है और अच्छा है। ठीक है, जब भी मौका मिलेगा आप लोग को भी, तो उसके लिए कोई ठीक नहीं कि अलाउ कर भी दे, जो सीटेट का एग्ज़ाम दे रहा है उनके लिए भी अलाउ कर दे, हो सकता है। क्योंकि 15 जून से 12 जुलाई तक का टाइमिंग है, बीच में कभी इन्फॉर्मेशन देगा कि आप लोग भर सकते हैं भर देना है, तो तैयारी उस हिसाब से करना होगा, हल्के में नहीं करना होगा, सब चीज़ को देखना होगा। अब चलते हैं 1900 क्वेश्चन में। जैसे भी यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था, तो स्कूल यानी स्कूल जाना, विद्यालय जाना, इससे संबंधित कुछ टर्म है उसको समझेंगे हम। जैसे लिखेगा स्कूल संबंधित टर्म क्या हुआ, मतलब EVS के अंदर चैप्टर में जो समझाया गया है स्कूल जाने से संबंधित जो टॉपिक्स है क्या है, बांस और रस्सी, बांस बैम्बू, बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, असम में। बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है असम में। समझाने वाली चीज़ तो नहीं है, बांस का पुल भी देखा ही होगा, चचरी होती है, बांस गाड़ देते हैं, ऊपर बांस की बनी सीढ़ियों की तरह से चचरी लगा दी जाती है, उस पर आपका बड़ी गाड़ी तो चलेगी नहीं, मगर हल्की गाड़ी चल सकती है, जैसे साइकिल बहुत हो गया तो मोटरसाइकिल, आप कार तो नहीं चला सकते हैं उस पर, लेकिन ये स्कूल जाने से संबंधित है। स्कूल जाने की दुविधा होती है तो वहाँ लोग क्या करते हैं, बांस और चचरी के पुल बना करके इसका उपयोग करते हैं। रस्सी के पुल भी होते हैं, उनका भी उपयोग किया जाता है, कहाँ, असम के अंदर। अगला लिखिएगा, ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, स्कूल के लिए। ट्रॉली, ट्रॉली देखा है, इलेक्ट्रिक पे चलता है, एक बॉक्स टाइप होता है डिक्की नुमा, उसमें कुछ बच्चे बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिक पे सीधे आर पार हो जाता है। लद्दाख है तो वहाँ क्या होती है, पहाड़ है, ऊँचे ऊँचे पहाड़ियाँ, वहाँ से कोई कूद कर तो जा नहीं सकता है, इसीलिए क्या होता है, उसको पार करने के लिए एक पहाड़ की चोटी और दूसरे पहाड़ की चोटी के बीच बड़ा सा कुछ पोल टाइप का गाड़ दिया जाता है, दोनों के बीच एक हेवी रस्सी होती है और उस पर इलेक्ट्रिक से पावर सप्लाई करते हैं और बिल्कुल व्हील होता है, सरसराते हुए बच्चा उसे बैठ के इस पार से उस पार पहुँच जाता है। इसको लिंक क्या चला है, तो वहाँ पर क्या है, लद्दाख के अंदर ट्रॉली का इस्तेमाल कहाँ होता है, लद्दाख में, काहे के लिए, स्कूल जाने के लिए बच्चे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि स्कूल वाले ही इस्तेमाल करें, बाकी लोग इस्तेमाल नहीं करेगा, और भी इस्तेमाल होता होगा। ठीक है, इसके बाद ये सीमेंट का पुल, वो तो हर जगह देखा होगा, हमारे यहाँ भी और हर जगह होता है सीमेंटेड पुल, ये कहाँ होता है, ये कोई आसाम में है, आसाम में भी होगा सीमेंट का पुल, या हमारे यहाँ है बिहार में ऐसा होगा, दिल्ली में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, ये तो हर जगह मिलेगा सीमेंट वाला पुल, तो कहाँ लिखे इसको, कन्फ्यूज़न है। इसमें लिखेंगे हम सामान्य क्षेत्रों, मतलब वैसे क्षेत्र जो पानी से पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, पहाड़ियों से घिरे हुए है ना, या ऐसी जगहों से जंगलात से घिरे हुए नहीं है, ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल स्पेस है, नॉर्मल एरिया है ना, तो वहाँ पर क्या करते हैं, सीमेंटेड पुल बनाते हैं, चूँकि आसान है वहाँ बनाना है ना, सीमेंटेड पुल। और कहाँ बनाते हैं, एक तो सामान्य क्षेत्र हो गया जैसे हम लोग जा रहे हैं, और कहाँ बनाएंगे, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर भी नदी होती है, और नदी बहुत चौड़ी तो होती नहीं है, लेकिन नदी पार कर नहीं सकते, तो उस पर क्या बनाते हैं, सीमेंटेड पुल बनाते हैं, तो नदी के ऊपर भी सीमेंटेड पुल बनाए जाते हैं। ये कहाँ बनते हैं, दो जगह, एक सामान्य क्षेत्रों में और दूसरा नदी के ऊपर, नदी के ऊपर, ठीक है ना, दो जगह, क्लियर है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए सीमेंटेड पुल पाए जाते हैं, ऑप्शन दिया रहेगा तो क्या बनाएगा, खोजेगा, अगर आपको सामान्य क्षेत्र ऑप्शन है तो वो लिखेंगे,
अगर सामान्य छत का ऑप्शन नहीं है, नदी के ऊपर है तो वो लिखेंगे, अगर दोनों दिया हुआ है तो बेहतर है, ये लिख देंगे हम, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे वल्लम। वल्लम क्या है? लकड़ी की छोटी नाव। वल्लम, वल्लम क्या है? तो वल्लम लकड़ी की छोटी नाव को कहते हैं। छोटी नाव जैसे हम लोग क्या देखते होंगे, बाढ़ जब आ जाता है तो खेतों में ही पानी ऐसे लग जाता है, मानिए जैसे कि वो दरिया हो, तो लोग डेली यूज़ के लिए अपने घर में बैठते हैं, जहाँ तक सामान लेना ले लिए चले आए, तो बहुत बड़ी कश्ती लेके नहीं जा सकते हैं वहाँ। गाँव कस्बा टोला क्या होता है, छोटी मोटी सड़क है, थोड़ा दूर पर किसी घर आ जाए, बड़ी नाव रहेगी तो किसी घर ही तोड़ देगी, तो वो नहीं है। छोटी कश्ती होती है, छोटे दो चार पाँच लोग बैठ गए जो काम करना करके चले आए, तो इनका इस्तेमाल बार बार जब आता है तो कॉमनली होने लगता है हर जगह, इसको हम क्या कहते हैं, वल्लम कहते हैं, ठीक है ना। और वल्लम अगर पूछे इसका अर्थ क्या है तो लिखेंगे लकड़ी की बनी छोटी नाव। इसका अर्थ क्या है? लकड़ी की बनी छोटी नाव। ऊँट गाड़ी कहाँ चलती है पता है? ऊँट कहाँ चलता है? ऊँट गाड़ी बोल दिया है, ऊँट तो बोल ही रहा है ना, गाड़ी तो नहीं बोला, ऊँट गाड़ी। ऊँट को गाड़ी के साथ लगा के चलाते हैं और ऊँट को बिना गाड़ी के भी चलाते हैं। ऊँट जहाँ भी चलेगा राजस्थान में ही चलेगा, तो ऊँट गाड़ी कहाँ चलती है? राजस्थान में। बैलगाड़ी कहाँ चलती है बताइए? बैलगाड़ी राजस्थान में चलती है? नहीं, बिहार में। और यहाँ नहीं चलती है? बिहार के अलावा कहाँ चलेगी? जहाँ अभी मैदानी इलाका है, जहाँ मैदान सब क्या है, मैदानी इलाका जहाँ हम रहते हैं, मैदान है, पठार तो नहीं है। पठार क्या होता है? एक ऐसा ऊँचा है, फिर इतना ऊँचा है, फिर इतना नीचा है, पहाड़ टाइप का बना हुआ है, पहाड़ जितना नहीं ऊँचा है लेकिन फिर भी बहुत ऊँचा है, ठीक है ना, तो उसमें तो नहीं चलेगा वो। तो कहाँ चलता है बैलगाड़ी? जो मैदानी इलाके हैं, खेत वाले इलाके हैं, है ना, ये सब वहाँ पर बैलगाड़ी चलती है, ट्रैक्टर चलती है, सब चलता है। तो खैर ट्रैक्टर की बात हम नहीं कर रहे, सवाल बैलगाड़ी का है। तो बैलगाड़ी कहाँ चलेगी? मैदानी इलाकों में। कोई दिक्कत? रास्ते पथरीले और असमान हैं, ठीक है, रास्ते पथरीले और असमान हैं पहाड़ों में। सवाल क्या लिखा? रास्ते पथरीले हैं और असमान है, मतलब एक समान नहीं, ऊपर खबर है ना, असमान है पहाड़ों में। कहाँ होगा पहाड़ों में ऐसा? उत्तराखंड में। कहाँ होगा? उत्तराखंड में, ठीक है। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिरों के दोनों तरफ होती हैं, नहीं होती हैं? ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिरों के दोनों तरफ, इधर होती हैं एक इधर होती हैं, ज़्यादातर। कुछ क्या अलग है? तो ज़्यादातर में किसका नाम लिखा? कौवा को भी होता है, तोता को भी होता है, ठीक है, बगुला को भी होता है, तो किसका नाम लिखा? ज़्यादातर सब आ जाएगा, जिनको नहीं होता है उसके बारे में लिखेंगे अलग से, क्लियर। तो ज़्यादातर पक्षियों की आँखें क्या होती हैं? बीच में होती हैं, सर के बीचों बीच दोनों साइड, है ना, जिससे क्या होता है वो आगे और पीछे लगभग एक समान रूप से देख सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं, पीछे कोई उसको मारने शिकार करना चाह रहा है उससे बचाव करने के लिए उनके लिए आसानी होती है, ठीक है, समझ रहे हो? ऊंचा कोई दिक्कत है? आसान है, आगे चलते हैं। तुम्हारी यहाँ कहाँ है? तुम्हारी यहाँ कहाँ है? दोनों सिर के बीच में, तो चेहरे पे आमने सामने, ठीक है ना, आगे चलते हैं। पक्षी सब पक्षी आती है, लगभग वही होती है, उसमें लगभग सारे पक्षी, तो उसका नाम नहीं लिखेंगे, जिसमें नहीं उसका लिखेंगे ना अलग से, ठीक है, इसलिए लिखेंगे ज़्यादातर पक्षियों में, जिसमें नहीं उसकी अलग बात है। पक्षी एक ही मौसम में, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं, नहीं कर सकता है पक्षी एक ही समय में दो अलग। अब ऐसे सोच के देखें, मेरी आँख कहाँ है? सामने है, हम सामने ही देख सकते हैं, सामने जो चीज़ भी है उसको इसी आँख से भी देखेंगे और इस आँख से भी उसी को देखेंगे। अगर गुंचा को देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे और यहाँ से भी, दोनों आँख से नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इस आँख से हमको भारतीय दिखाई दे रही है और इस आँख से गुंचा दिखाई दे रही है, तो क्या इस आँख से भारतीय नहीं दिखाई दे रही है या इस आँख से गुंचा नहीं दिखाई दे रही है?
पक्षियों में ऐसा है, पक्षी की आँख इधर है, इधर वाले को देख लेंगे एट द सेम टाइम, और उसी टाइम उसकी एक आँख इधर भी है, इधर भी कुछ को देख लेंगे दोनों तरफ। अगर हम लोग की भी आँख अगर एक यहाँ होती और एक आँख पीछे होती तो उधर भी देख लेते और इधर भी देख लेते, है ना, अच्छा वही होता ना, एक आगे एक पीछे रहता, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, अच्छा तो सब लग जाता है। शिव जी की तीन आँख है ना, एक अच्छा सामने अच्छा लगता नहीं है ना, अच्छा चलिए एक बात तो क्लियर है कि पक्षी एक बार में एक टाइम में एक ही जगह पर दो चीज़ों को क्लियर देख सकता है, विजिबल है, वो हम नहीं कर सकते, है ना। ऐसा किस वजह से, बिकॉज सेल के बीच में उनकी आँख है, इस वजह से। आगे चलते हैं, पहले लिखा दिए ना, पहले लिखा चुके हैं, समझा रहे थे बस, इसके बाद लिखेंगे। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं, कौन, पक्षी, जब पक्षी बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित होती है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं मतलब आप खुद देखें, कभी कभी आप तिरछा देखते हैं, आप अपनी आँख से देखेंगे, आप ऐसे सामने देख रहे हैं और आप आँख तिरछा कर लीजिए तो आप क्या दिखता है उस साइड का भी जिधर आँख तिरछा कर लिया। तो अगर मान लीजिए पंछी भी इसी तरीके से एक जगह सामने एकाग्र हो जाएगा तो उसकी आँख भले दोनों जगह घूम सकता है, जैसे ऐसे कर लिया, आँख इधर घूम के अंदर से ऐसे कर लिया, इधर घूम के इधर कर सकते हैं, तो अगर पंछी भी आँख ऐसे कर लेंगे तो उसे क्या दिखाई देगी, तुम दिखाई दोगे, ठीक है। तो वो एक समय अगर एक ही चीज़ को देखना चाहती है तो ऐसा कर सकती है और ऐसा करती है वो, जैसे जब जैसे मान लो बत्तख है, बत्तख पानी में तैरता है ना, बत्तख बत्तख पानी में तैरता है तो पीछे से क्या मतलब है उसका, वो आगे तैरता है, आगे क्या है, उस टाइम उसका ध्यान आगे होता है, ठीक है। लेकिन जब ऐसे चल रहा होता है कहीं से कुत्ता लगे देगा, भागेगी, मैदान में खुले में कहीं से कोई और जानवर आ सकता है ना, तो बचाव करने के लिए तब चारों तरफ नज़र रखता है। जब काम हमको होता है तो एक जगह एकाग्रता से देखते हैं, ठीक उसी तरह पंछियों को जब किसी एक चीज़ को फोकस करना होता है तो एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, वो करते हैं वैसा, अन्यथा क्या होता है वो चारों तरफ ध्यान देते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, ये आँख दोनों तरफ देखते हैं ऐसे ऐसे, है ना, मतलब 180 में ये घूम जाती है, 180 पूरा नहीं घूमेगा लेकिन कम से कम 120 का दायरा कैच करती है, और ये आँख इधर 120 का तो 240 डिग्री तक घूम लेता है, थोड़ा ऐसा कर ले तो पूरा 360 हो जाए, ऐसे कर ले तो पूरा चारों तरफ क्या वो सब देख लेंगे, हम लोग ऐसे चारों तरफ देख लेंगे ऐसे कर लेंगे, नहीं कर सकते लेकिन पंछी कर लेंगे, ये बड़ी उपलब्धि है उसके लिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, है ना, पक्षी जब क्या करता है दोनों आँखों को एक जगह केंद्रित कर लेता है तो ऐसा है। चील, बाज और गिद्ध, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी इंसानों से चार गुना ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं, ठीक है, चार गुना ज्यादा किसके बारे में बोल रहे हैं, सारी पक्षी नहीं, चील, बाज और गिद्ध, ये बड़े खतरनाक होते हैं। कई बार सुना होगा हम लोग की तरफ बाज तो नहीं मिलेगा लेकिन बाज की जो प्रजाति है चील उसी की प्रजाति है और गिद्ध भी उसी की प्रजाति है, सब उसी की प्रजाति है, हालांकि आमतौर पर गिद्ध क्या खाता है, सड़ा गला मरा हुआ मांस, इसीलिए उसको हम लोग के इलाके में सड़ा गला मरा हुआ मांस मिलेगा नहीं आसानी से, तो इस इलाके में नहीं होता है, मगर हाँ कुछ इलाकों में जहाँ खासतौर पर कुछ ऐसी कम्युनिटी जो लोग काट कूट के जबा करने वाला काम करती है, अगर वो होगी जैसे कसाई जिसको बोलते हैं ऐसे लोग होंगे तो वहाँ पर आपको गिद्ध देखने को मिलेगा, है ना। हम लोग के दरभंगा के इलाके में भी कई जगह गिद्ध देखने को बड़े आसानी से मिल जाएगा आपको, लेकिन होता क्या है कि ये लोग वो काफ़ी ख़तरनाक जानवर हैं, कभी कभी क्या करते हैं भूख मिटाने के लिए जब नहीं मिलेगा इनको तो इंसान के छोटे बच्चों को भी शिकार बना लेते हैं, छोटे बच्चों को भी खुले में अगर है तो उसको नोच ना चले, ये बड़ा खतरनाक होता है, उठा के ले भी जा सकते हैं, जान भी मार दे सकते हैं,
बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं ये, तो पकड़ नहीं पाएगा इनको। काफ़ी बड़ा वेट लेते हुए उड़ सकते हैं, दिक्कत उनके साथ सुविधा क्या है कि बड़ा वेट लेके उड़ सकते हैं, पंजे से पकड़ लेंगे किसी चीज़ को, ग्रिपिंग बहुत तगड़ी होती है और पंख से उड़ते हुए चले जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता इनको उस टाइम। उसको तो हवाई जहाज तो उड़ेगा अपना, कोई पकड़ने वाला है नहीं उसको, है ना। जैसे चीता के बारे में जानते हैं, ये लोग क्या करते हैं, शिकार को मुंह से पकड़ता है, दबोचता है दांत से और हाथ नहीं लगाता है, मारने तक तो मार दिया, मारने का मुंह से दबोचा उसको और चारों हाथ पांव जो है उससे पकड़ते दौड़ते बहुत ऊंची पेड़ डाली पर चला जाता है। सर वो तो चिंग करता होगा ना, ईद भी करता। छोटे जानवरों को जब नहीं मिलेगा तो उसी की कम्युनिटी से है ना कर सकता है, ठीक है। कम से कम मान आदमी के बच्चे को नहीं करे, मुर्गी के बच्चे को उठा लेगा, चूहे को उठा लेगा, है ना, ऐसे छोटे जीवों को उठा देगा। अब बाज उसको सबसे बड़ा जीव है तो बड़े जीवों को उठा लेगा, फर्क यही है ना। तो ये लोग उतना हेवी वेट लेके चल सकते हैं, उड़ सकते हैं, ये बड़ी बात है। उसके बाद है एक पक्षी की आँख, एक पक्षी की आँख उसके सिर पर होती है जिसके कारण वो चारों तरफ अपने शत्रुओं से अपनी सुरक्षा कर पाते हैं और साथ ही दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे कान कहते हैं। मतलब कान हम लोग इतना निकला हुआ नहीं होता, उसका छेद होता है, उससे सुनाई देता है उसको, आँख के अगल बगल होता है वो, और उससे वो चीज़ों को सुन सकते हैं, है ना। इन छेदों के सहारे पक्षी क्या करते हैं, सुन पाने में सक्षम है। देखा होगा पक्षियों में, कबूतर वगैरह को हाथ में उठाया होगा, देखा होगा छेद होता है उसका, ध्यान। आगे लिखिएगा छिपकली, छिपकली को भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। लिख लिया छिपकली के बारे में, अब लिखेंगे मगरमच्छ को भी कान के स्थान पर छेद ही होता है, मगर वो हमें दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता है? मगरमच्छ की चमड़ी बड़ी मोटी होती है, बहुत मोटी, इतनी मोटी होती है, इतनी मोटी कि शायद दूसरे जीव की इतनी मोटी होती भी नहीं होगी। और इसीलिए क्या होता है कि उसके बीच में जो रहता है पता ही नहीं चल पाता है, ठीक है। आज ही तक छोड़ देते हैं, नेक्स्ट डे करेंगे। असल क्या था, आप लोगों को ऑफलाइन जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या होगा, कैसे होगी, उसको समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, है ना, इसी वजह से इन चीज़ों को बाद में रिव्यू भी कर दिए मोटा मोटी, लेकिन पहले समझा दिए वो सारा चीज़, कोई कन्फ्यूज़न है उसमें। ऑफलाइन वाले पेपर में मेन बुकलेट में आपका लैंग्वेज 1 और 2 हिंदी अंग्रेजी ही मिलेगा, बाकी जो भी है वो सब्स्टिट्यूट कॉपी मिलेगी क्वेश्चन पेपर, है ना, अनदर बुकलेट होगा उसमें से उसका उत्तर होगा, पूरा समझा ही दिए, टाइम वहाँ लग गया। नेक्स्ट डे देखेंगे क्या करना है, मगर हाँ ये करेंगे कि संभावना बनी हुई है कि आप लोग BPSC के एग्ज़ाम में भी बैठ सके, मे बी पॉसिबल, वो देखते हैं और इतने में मालूम होगा तो हम लोग तैयारी को पूरा मेंटेन रख के चलेंगे, ठीक है। Meow.